एक्चुअली देखिए, हमारी बॉडी में तीन तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं। कितने तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं? तीन तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं। अब मैं लिखने वाली हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको। हम लोग एक का नाम है फाइब्रस ज्वाइंट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होता है, फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरे का नाम है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। एक्चुअली फाइब्रस ज्वाइंट का मतलब, यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कार्टिलेजिस प्रेजेंट होते हैं। और तीसरे का नाम है साइनोवियल ज्वाइंट। देखिए, और मैं इसके सारे के सारे और नाम लिखूंगी, साइनोवियल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं सिनैंथ्रोसिस, इसके मूवमेंट के बेसिस। सिनैंथ्रोसिस का मतलब दे परमिट नो मूवमेंट, थोड़ा भी मूवमेंट यहाँ पे, इस टाइप की ज्वाइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, इसको हम लोग कहते हैं एम्फी आर्थ्रोसिस। एम्फी आर्थ्रोसिस का मतलब दे परमिट लिटिल मूवमेंट, लिटिल मूवमेंट, थोड़ा सा इस ज्वाइंट में थोड़ा सा मूवमेंट होता है। एंड दे आर डाईआर्थ्रोसिस। डाईआर्थ्रोसिस का मतलब दे परमिट फ्री मूवमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम लोग और कहते हैं, क्या नाम दिया था इसको, इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट एकदम मूव नहीं करता, इसको हम लोग कहते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, या मूवेबल ज्वाइंट नाम दे दीजिए। इतनी चीज पता है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज जो मैं लिखने जा रही हूँ, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट। एम आई क्लियर? तो देखिए, तीन तरीके के ज्वाइंट्स हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। और तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं हड्डियों के बीच में, वो तीन तरीके के होते हैं। तीनों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और ये नाम अगर आपने याद कर लिया, फाइब्रस, सिनैंथ्रोसिस, इमूवेबल, तो यहाँ से कुछ चीज़ें तो ऐसे ही जो होता है क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज दैट इज द फाइब्रस ज्वाइंट। सारे नाम मैं नहीं लिखूंगी अब, इसको हम क्या कहते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। इमूवेबल बस लिख दीजिए, मेड अप ऑफ जो ज्वाइंट्स होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट बिटवीन ज्वाइंट्स। अब पता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ना, जब मैं आपको टिश्यूज पढ़ाऊंगी तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब वो कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। जहाँ जहाँ भी देखिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आएगा, वो कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। जहाँ जहाँ आपको इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू आएगा, वो इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं। कोलेजन फाइबर बहुत स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, और इलास्टिन फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। तो जहाँ इलास्टिसिटी होगा वहाँ पे इलास्टिन फाइबर होगा। जहाँ पे हमें हमारी बॉडी में स्ट्रांगनेस चाहिए वहाँ पे कोलेजन फाइबर होता है, और उसी को हम लोग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हम पढ़ेंगे टिश्यूज में, ठीक है, अभी आप टेंशन नहीं लीजिए। अब इसमें ये तीन तरीके का होता है, ये तीन तरीके का होता है, मैं नाम लिख दे रही हूं तीनों के। आप एक नाम तो आपने एकदम सुना है, उसको हम कहते हैं सूचर्स। बताइए याद है क्या सूचर्स? एकदम हमारी खोपड़ी में फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, ये कौन सा, सबसे पहला कोरोनल सूचर, सेजेटल सूचर, स्क्वामस सूचर, ठीक है, और लास्ट वाला बिल्कुल लैम्डाइडल सूचर। ओके, इतनी चीज सबको पता है। तो सूचर्स हो गया, दूसरा हो गया गोम्फोसिस।
तो देखिए सूचर्स के बारे में एकदम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूचर्स ना आपके एनजाइटी में भी दिया, हालांकि आपके एनजाइटी में गोम्फोसिस नहीं दिया है, लेकिन ये आपको सूचर्स मिलेगा, ठीक, सूचर्स। और थर्ड है सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस, ये तीन चीज देखिए, सूचर्स, गोम्फोसिस और सिंडेस्मोसिस। अब ध्यान से समझिएगा, सूचर्स में क्या होता है, जैसे ये हमारी एक खोपड़ी की बोन, ये हमारी दूसरे खोपड़ी की बोन, इन दोनों के बीच में ऐसे सूचर्स, मतलब ऐसे प्रेजेंट है, हमने कहा था, या आप ऐसे कर सकते हो सूचर्स, ये ऐसे जिगजैग जिगजैग होता है, ये एक बोन हो गई हमारी और ये दूसरी बोन हो गई, ठीक है, दो बोन के बीच में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, सूचर्स प्रेजेंट है। तो आप कहोगे कि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हम लिख दें क्रैनियम, या वी कैन से क्रैनियल बोन, सारे सूचर्स आपको पता है, ठीक। अब देखिए दो बोन के बीच में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, देयर इज नो गैप बिटवीन टू बोन्स, बिटवीन बोन्स, दो बोन के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, वो एकदम आपका ऐसे सटी हुई बोन है, ठीक, एकदम ऐसे, देयर इज नो गैप बिटवीन बोन्स, ओके। गोम्फोसिस की अगर हम बात करें तो गोम्फोसिस भी एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वाला ही ज्वाइंट है, बट आप कह सकते हैं कि दो बोन के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, हालांकि यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, दिस इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, बट देर इज गैप बिटवीन टू बोन, या लार्ज गैप, वी कैन से लार्ज गैप बिटवीन बोन्स, है तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, लेकिन ये लार्ज गैप होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टिबियो फिब्यूलर ज्वाइंट, टिबियो फिब्यूलर ज्वाइंट, हमारी जो टिबिया और फिब्यूला बोन होती है उसके बीच में भी ऐसा ही गोम्फोसिस ज्वाइंट पाया जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, अरे गोम्फोसिस लिख दिया मैंने, सॉरी, सिंडेस्मोसिस, ओके, यहाँ पे होगा सिंडेस्मोसिस, डेस्मोसिस, ये सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट है, और ये हो गया हमारा गोम्फोसिस। अब देखिए गोम्फोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, इसको हम कहते हैं पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट, पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट। पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब क्या है, एक पेग मतलब जानते हो आप लोग, गांव देहात में अगर रहे हो तो पेग का मतलब होता है खूंटी, खूंटी देखा है जो कच्चे मकानों में खूंटी गाड़ी जाती थी, तो उसको कहते थे पेग। पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब क्या है कि एक खूंटी जैसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, सपोज करिए ये खूंटी हो गई, ठीक है, इस तरीके से, और एक सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर हो, एक ऐसे सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर हो। अब आप मुझे, आप बता सकते हो कि ये स्ट्रक्चर कहीं आपने पढ़ा है, बिल्कुल आप बता सकते हो, तो ये है हमारा सॉकेट और ये है खूंटी, पेग, बिल्कुल सही, मैंने सुन लिया, आपने कहा कि ये ज्वाइंट तो है हमारे टूथ एंड एल्वियोलस, एल्वियोलस का मतलब जॉ बोन, भाई जॉ बोन की कैविटी को एल्वियोलस कहते हैं, ये है, इसको हम कहते हैं गोम्फोसिस, टूथ एंड, और इसके बीच में फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो इसको हम कहते हैं गोम्फोसिस, इसको आप कह सकते हैं डेंटो एल्वियोलर ज्वाइंट, इसको क्या कह सकते हो आप, डेंटो एल्वियोलर ज्वाइंट, भूलोगे तो नहीं ना, ठीक। तो ये हमारा टूथ एंड एल्वियोलस के बीच में, जो एल्वियोलस का मतलब सॉकेट, जो हमने आपको बताया था थीकोडोंट है हमारा, थीकोडोंट है ना, थीका के अंदर है, एल्वियोलाई के अंदर है, सॉकेट के अंदर है, कुछ भी कह लीजिए, ये है हमारा गोम्फोसिस। तो फर्स्ट फर्स्ट ज्वाइंट है फाइब्रस ज्वाइंट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक। अब हम आते हैं दूसरा, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट या एम्फी आर्थ्रोसिस, या फिर इसी को हम लोग स्लाइटली मूवेबल कहते हैं, ठीक। देखिए सेकेंड इज द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, या इसी को हमने कह दिया
स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, दिस इज द सेकेंड ज्वाइंट. ओके, इसके बीच में क्या होता है, देयर आर कार्टिलेजिन कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन टू ज्वाइंट्स, दो ज्वाइंट्स के बीच में कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं. अब इसके मैं एग्जांपल बता दूं तो देखिए, पहला तो हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस. ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो मैंने बनाया था ये बोन, आपको अच्छे से याद होगा कि इलियम इश्चियम, ये था प्यूबिस बोन. ठीक है, प्यूबिस बोन के किनारे पे कार्टिलेज प्रेजेंट था, ये बात मैंने बताई थी. ठीक है, कार्टिलेज प्रेजेंट था, तो ये है हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस. तो प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, पहली चीज. दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल है हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इंटरवर्टिब्रल डिस्क का मतलब मैंने कहा था हमारी एक वर्टिब्री है और दूसरी वर्टिब्री के साथ ऐसे, हमारी ये एक वर्टिब्री है ठीक, और ये दूसरी वर्टिब्री है. इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क. तो ये वर्टिब्री है या वर्टिब्रा है, और ये भी वर्टिब्रा है. इन दोनों के बीच में पाया जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये भी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है. कैसा ज्वाइंट है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट. तीसरा ज्वाइंट अगर मैं लिखूं तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और कहाँ हो सकता है आपका? हो सकता है हाँ, स्टर्नोवर्टिब्रल ज्वाइंट्स. देखिए, स्टर्नोवर्टिब्रल ज्वाइंट्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये है हमारी स्टर्नम. याद करिए, प्रो स्टर्नम, मीजो स्टर्नम, मेटा स्टर्नम. ठीक, और यहाँ से हमारी स्टर्नम से हमारी रिब्स जुड़ी हुई हैं. ठीक है, ये सारी बात मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन स्टर्नम में जो रिब्स जुड़ी है, रिब्स का आखिरी एंड कार्टिलेजिनस होता है, तो स्टर्नोवर्टिब्रल ज्वाइंट भी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का एग्जाम्पल है. इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. और एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ईपीफाइजियल प्लेट क्या है? थोड़ा सा मैं यहाँ समझ लीजिए, जैसे हमारी ये एक लॉन्ग बोन है. ठीक है, ये हमारी एक लॉन्ग बोन, जो हमारी बोन की सबसे आखिर ये वाला पोर्शन होता है इधर, इसको ईपीफाइसिस कहते हैं. जो हेड वाला पोर्शन होता है इसको ईपीफाइसिस कहते हैं. हेड वाला पोर्शन ईपीफाइसिस है, जो बीच वाला पोर्शन है उसको डायफाइसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? डायफाइसिस कहते हैं. जो ईपीफाइसिस, इसका यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है. कौन सा कार्टिलेज? हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है. ठीक है, ध्यान से देखिए. अब जो जब ये अगली बोन से अटैच होती है तो अगली बोन में भी यहाँ पे ईपीफाइसिस होगा, यहाँ पे भी हाइलाइन कार्टिलेज होगा, तो दोनों यहाँ से मिलके ये जो ज्वाइंट बनता है इसी को हम लोग कहते हैं ईपीफाइजियल प्लेट. ईपीफाइसिस मिलके क्या बना लिया? ईपीफाइजियल प्लेट. ठीक, तो ऐसे ज्वाइंट जहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द नेक्स्ट वन इज द साइनोवियल ज्वाइंट आर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट. यू हैव टू रिमेंबर इन प्रीवियस टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स देयर इज नो साइनोवियल फ्लूइड. दोनों में साइनोवियल फ्लूइड नहीं प्रेजेंट होता है. एंड व्हाट इज द साइनोवियल फ्लूइड? आई विल डिस्कस. ओके, देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जो तीसरे तरीके का ज्वाइंट है, थर्ड तरीके का ज्वाइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा साइनोवियल ज्वाइंट. क्या बताया मैंने इसको? साइनोवियल ज्वाइंट. अब पहले इसको देख लेते हैं कि साइनोवियल ज्वाइंट है क्या. इसको हम लोग कहते हैं मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं.
अभी तक जो दो टाइप का ज्वाइंट हमने पढ़ा था, पहला वाला तो बिल्कुल मूव नहीं करता, इसलिए ऐसी जगहों पे ही पाया जाता है। पता चला खोपड़ी की बोन मूव कर रही है तो क्या होगा, जल्दी खोपड़ी तोड़ देगा कोई, है ना। सूचर से अटैच होता है भाई, सबसे प्रोटेक्टिव वी कैन से सबसे नाजुक सा ऑर्गन है उसके अंदर ब्रेन, तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला स्लाइटली मूव करता है, स्लाइटली मूव कर सकता है, जो मैंने दूसरा वाला बताया। एंड दिस वन जिसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दिस इज़ फ्रीली मूवेबल। जैसे हमारे ये जॉइंट्स हैं फ्रीली मूव कर रहे हैं, हमारा ये जॉइंट्स है फ्रीली मूव कर रहा है, ये जॉइंट्स है फ्रीली मूव कर रहा है, एंड दिस जॉइंट, दिस उंगली को हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर रहा है। देर आर लॉट्स ऑफ जॉइंट्स वी विल डिस्कस। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। पहला, अगर मैं साइनोवियल जॉइंट की बात करूँ तो जैसे सपोज करिए ये हमारी एक हड्डी, ठीक, और दिस वन इज अवर नेक्स्ट बोन। दो बोन है, दो बोन के बीच में एक चीज समझिए, ये बोन का आखिरी पोर्शन मैंने कहा था यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसी भी बोन के बीच में यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स की बात मैं करने वाली हूँ। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स में या फिर कुछ बोन्स ऐसे, मैं किसी भी टाइप की बोन की बात करी, अभी आप टेंशन नहीं लीजिए। ये दिस इज सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन, ये दो ज्वाइंट जहाँ पे मिलते हैं दैट इज सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग कहते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, देयर इज सम गैप बिटवीन दीज टू ज्वाइंट्स, दिस गैप, ये गैप प्रेजेंट है, एंड दिस गैप इज नोन एज साइनोवियल गैप, साइनोवियल गैप, एंड दिस इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। अब ये किससे भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड से भरा होता है। अगर मैं साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शंस लिख दूं, यहाँ पे इसके फंक्शंस के बारे में बात करूं, तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है भाई हमारे जॉइंट्स को, लुब्रिकेशन, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस कुछ और जैसे प्लूरल फ्लूड, कार्डियल, जो प्लूरल फ्लूड था, पेरिकार्डियल फ्लूड था, ये सब मैंने बताया था हार्ट में और लंग्स की मेम्ब्रेन के बीच में। तो ऑब्वियसली अगर कहीं भी फ्लूड प्रेजेंट है तो उसका दो तो काम कंपलसरी है, एक तो वो शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करेगा और दूसरा वो क्या करेगा, वी कैन से वो लुब्रिकेशन का काम करेगा। इसके अलावा हमारा जो शॉक एब्जॉर्बेंट के का लुब्रिकेशन, या हम कहते हैं कि प्रिवेंट फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन बोन, बोन्स के बीच में घर्षण नहीं होने देता, क्योंकि फ्लूइड है नहीं तो दोनों हड्डियां ऐसे घर्षण होने लगेगा। और आखिरी आप कह सकते हो ये फैगोसाइटोसिस भी करता है, क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहीं से भूले भटके यहाँ पे किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो ये इसका फैगोसाइटोसिस कर लेता है, इसको खा जाता है, और ये बना होता है हाइल्यूरोनिक एसिड, यहाँ पे पाया जाता है। आप अब चले जाइए, थोड़ा सा मेरा कार्बोहाइड्रेट वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। हाइल्यूरोनिक एसिड को हम लोग एनिमल सीमेंट कहते हैं, जबकि मैंने आपको बताया है कि क्या नाम था उसका यार, मिडिल लेमेला पेक्टिन, पेक्टिन को हम लोग प्लांट सीमेंट कहते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड को हम लोग एनिमल सीमेंट कहते हैं। एम आई क्लियर? तो ये है एक तरीके का साइनोवियल ज्वाइंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस साइनोवियल ज्वाइंट में ये फ्रीली मूवेबल बोन्स होती हैं, साइनोवियल बोन्स, या सॉरी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होता है साइनोवियल ज्वाइंट इसको कहते हैं। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स भी आती हैं आगे चल के, आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस या रूमेटाइड आर्थराइटिस, बहुत तरीके के भी डिसऑर्डर्स भी हम लोगों को पढ़ने। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ अब देखते हैं इसके टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप, पहला ही एकदम अच्छे से शुरुआत करते हैं हम लोग, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पहले देख लेते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब एक एक हड्डी का जो हेड होगा वो बॉल जैसा होगा और दूसरी हड्डी बिल्कुल सॉकेट के जैसी होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे ये सपोज करिए ह्यूमरस का हेड है और ये ग्लीनॉइड कैविटी है, सपोज करिए फीमर का हेड है और ये एसिटाबुलम है, तो वन वी कैन से द आर्म ऑफ वन या वी कैन से एंड ऑफ वन बोन इज बॉल लाइक एंड एंड ऑफ अनदर बोन वी कैन से दैट इज द सॉकेट लाइक। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन, यू कैन assume definition as well as आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं, तो हम मैं यहाँ पर जो है definition लिख नहीं रही हूँ, बस आप देखिए कि जो important है उसको मैं लिख दूंगी। और ball and socket joint को दो example मैंने बताया था, एक shoulder joint मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, this is ball like and this is the socket like, shoulder joint और दूसरा hip joint। और यहीं पे मैं दूसरे तरीके का जॉइंट लिख दे रही हूँ, सैडल जॉइंट। अब मैं सैडल जॉइंट मैंने इसको इसके बाद ही क्यों लिखा, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दिस इज इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है लेकिन इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब जो बॉल है वो भी लेस डेवलप होता है, ठीक, बॉल इज ऑल्सो लेस डेवलप एंड सॉकेट इज ऑल्सो लेस डेवलप, मतलब ये पूरी तरह से बॉल एंड सॉकेट नहीं होता लेकिन बॉल एंड सॉकेट के जैसा ही होता है, इसलिए इसको हम इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सैडल जॉइंट। ये हमारी हथे कलाई की बोन जिसको हमने कहा कार्पल, इसमें डिस्टल रो में, तो कार्पल और मेटा कार्पल ऑफ थम, कार्पल और मेटा कार्पल ऑफ थम, तो यहां पे लिख लीजिए कार्पल्स एंड मेटा कार्पल्स ऑफ थम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए सैड, सैडल से आप सैड याद रखिए, और अगर आप सैड हो तो आपको कोई कहेगा कि भाई खुश रहो, खुश रहो, बी हैप्पी, क्यों सैड हो, तो खुश रहो मतलब ये थम दिखाता है आपको कोई, तो थम का मतलब आप समझ लो ये थम हो गया, तो कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थम्स इससे याद रख सकते हो आप, इस कोड को यूज करके इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो बॉल एंड सॉकेट और ये हो गया, और अरे नेक्स्ट थर्ड टाइप का जॉइंट अगर हम देखते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बोन्स, एक मिनट, हिंज जॉइंट में आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, हिंज जॉइंट को मैं आपको पहले समझा दूँ, जैसे आप दरवाजा खोलते हो ना, तो हिंज का मतलब क्या होता है, जो दरवाजे में एंगल लगा होता है, एंगल जानते हो ना, ये जॉइंट ऐसा होता है, एंगल एंगुलर वी कैन से कि दो बोन्स आपस में ऐसे फिट होती हैं कि ये केवल एक साइड का रोटेशन दे सकता है, ठीक है, एक साइड का रोटेशन, दरवाजा दूसरी तरफ तो नहीं खुलेगा ना, रोटेशन दूसरी तरफ नहीं होगा, तो आप कह सकते हो प्रोवाइड रोटेशन, प्रोवाइड्स रोटेशन इन वन साइड, यू कैन से यूनी एक्सियल रोटेशन, ठीक। और ऐसा ज्वाइंट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, तो आप कहोगे कि देखिए एक तो हो गया ये एल्बो ज्वाइंट, देखिए केवल एक तरफ आएगी हमारी ये कुहनी, दूसरी तरफ तो नहीं जाएगी ना। नी ज्वाइंट, नी नी घुटने का ज्वाइंट, नी ज्वाइंट देख रहे हो आप, तो नी ज्वाइंट कौन कौन से किसने बनाया है, तो आप कहोगे कि नी ज्वाइंट जो हमने अभी देखा था फीमर, फीमर का जो कॉन्डाइलर इंटरकॉन्डाइलर ग्रुप था उसमें पटेला फिट हो गया था, तो फीमर और पटेला के बीच में बनता है नी ज्वाइंट, ठीक है, और वो भी केवल एक तरफ ही मुड़ता है, नी एक तरफ मुड़ता है, तो जो केवल एक तरफ खुल रहा है। और एंकल ज्वाइंट, एंकल भी हम केवल एक तरफ मोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ हमारा एंकल नहीं जाता, ठीक। और ये क्या क्या नाम है इसका, ये पूरी तरह से दूसरी तरफ तो नहीं जाएगा ना, ये एकदम हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है रिस्ट जॉइंट। और इंटरफेलेंजस,
इंटरफेलेंजस, ये वाली हड्डी जो डिजिट्स में 1, 2, 3 ऐसे है, ये दूसरी तरफ नहीं जाएगी भाई, बहुत कुछ एक्सेप्शन होता है, बहुत लोग इसको पूरी तरह से मोड़ लेते हैं। तो इतने तरीके के जॉइंट्स हिंज जॉइंट होते हैं, तो लिख लीजिए आप, जो केवल एक तरीके की तरफ जा रहा है कौन कौन सा, एल्बो जॉइंट, ठीक, और नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और इंटर फेलेंजर्स, इंटर फेलेंजर जॉइंट्स। तो ये हो गया हिंज जॉइंट, ठीक। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट, कितना बोन कितना हुआ, एक मिनट, हाँ आगे देखते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट, या इसी को इलिप्सॉइडल जॉइंट भी कहते हैं, इलिप्सॉइडल जॉइंट, ठीक है। कॉन्डाइलर जॉइंट आपने देखा था क्या हो रहा था, बताइए कहाँ था, आप बता सकते हो, आप कहोगे एटलांटो ऑसीपिटल जॉइंट, ऑसीपिटल जॉइंट कहाँ पे, तो आपने कहा था कि ये हमारे जो ऑसीपिटल है इसका ये दो ऑसीपिटल कॉन्डाइल है, और ये जो हमारा एटलस बोन थी, एटलस फर्स्ट फर्स्ट क्या कह सकते सर्वाइकल वर्टिब्री जिसको एटलस बोन कहते हैं, उसमें ऑसीपिटल कॉन्डाइल था, जाके वहाँ पे फिट हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये किस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यस मूवमेंट, ठीक है, किस मूवमेंट के लिए, यस। तो आप इसको कहोगे दिस इज द एटलेंटो ऑसीपिटल ज्वाइंट। चलिए पांचवा देख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं फटाफट, पांचवा हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज द पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट का मतलब ये होता है, जैसे आपने उखली देखा है, ये मल्टी एक्सियल, मल्टी एक्सियल रोटेशन प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज करो उखली, उखली में जो वो होता है, ठीक है, कूटने वाला, वो एक तरीके से एक एक हड्डी तो फिक्स रहती है और दूसरी उसमें रोटेट करती रहती है, रोटेशन, तो एक फिक्स है दूसरी रोटेट कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं पाइवट जॉइंट। और ये पाइवट जॉइंट कहाँ है, तो आप कहोगे बिल्कुल, आप लिख सकते हैं यहाँ पे वन बोन्स रोटेट्स ओवर अदर, रोटेट्स ओवर अदर, ठीक। जैसे इसका दो एग्जाम्पल मैं लिखूंगी और आप जानते भी हो, पहला एग्जाम्पल तो आप कहोगे एटलांटो एक्सिस जॉइंट, एटलस के बीच में एटलांटो एक्सिस जॉइंट पढ़ाया है मैंने, और दूसरा रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना के बीच में, देखिए जब हम अपनी कलाई ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, तो रेडियस स्लाइड्स ओवर अल्ना, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड, एक फिक्स रहती है दूसरी स्लाइड होती है, इसको पाइवट कहते हैं। लेकिन अब मैं जो आखिरी लिखने वाली हूँ वो है ग्लाइडिंग जॉइंट, क्या है, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जॉइंट। इसमें क्या होता है, दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, ये बोन है ये बोन है, ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर, इसके ऊपर इसके ऊपर, दोनों बोन, बोथ बोन्स स्लाइड्स ओवर ईच अदर, बोथ बोन्स स्लाइड्स ओवर ईच अदर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है हमारी जो इन कार्पल, बिटवीन कार्पल्स, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपको कि हमारे कलाई की हड्डी फिसल गई, कहते हो ना कलाई की हड्डी फिसल गई, तो कलाई की हड्डी फिसल गई मतलब यहाँ पे क्या होता है, दोनों बोन्स एक दूसरे के ऊपर, फिसलने का मतलब स्लाइड से याद रख लो, दोनों बोन्स एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, फिसलती रहती हैं, इंटर कार्पल जॉइंट्स कह सकते हो, इंटर टार्सल जॉइंट कह सकते हो, स्टर्नो क्लेविकल, तो आप ऐसे कार्पल्स में मतलब इंटर कार्पल्स जॉइंट, इंटर कार्पल्स जॉइंट्स कह लो, इंटर टार्सल मतलब जो टार्सल्स के बीच में है वो है, ठीक है, आप कह सकते हो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकुलर, स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट,
ठीक है, जो स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में, तो इस तरीके से आप इतने तरीके के जॉइंट्स पढ़ सकते हैं। देखिए बॉल एंड सॉकेट, एक का बॉल और दूसरे का सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये बॉल इस पे जाके फिट हो जाता है और वो मूव करता रहता है, इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। मल्टी एक्सियल, दिस प्रोवाइड्स एक्चुअली मल्टी एक्सियल रोटेशन, एक से ज़्यादा, जैसे हम अपना हाथ ही इधर घुमा लें, इधर घुमा लें, इधर घुमा लें, ठीक है ना, पीछे तक भी ले जा सकते हैं, बहुत तरीके से हाथ घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मल्टी एक्सियल। इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब बॉल एंड सॉकेट ये भी होता है लेकिन बॉल भी लेस डेवलप होता है और सॉकेट भी लेस डेवलप होता है। तो उसके बाद हिंज जॉइंट प्रोवाइड रोटेशन इन वन साइड, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल इंटर। कॉन्डाइलर जॉइंट, ये भी मैंने बताया कि ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो इसमें कॉन्डाइलर फोसा में जाके फिट हो जाता है। और क्या था, पाइवट, वन बोन रोटेट्स ओवर अदर। और ग्लाइडिंग आर स्लाइडिंग, बोथ बोन स्लाइड ओवर ईच अदर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम थोड़ा सा इसका वो पढ़ लेते हैं, क्या दैट इज़ द